जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर पर बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और कुछ और भी जो है कि इंट्रोडक्शन पार्ट बचा हुआ है कि इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानना है, तो वो अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है जो कि इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही अभी चल रहा है। ठीक है, अभी मैं कुछ नया नहीं पढ़ाया हूं आपको। ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है और मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि एक एक चीज़ जो है कि डिटेल में डील करूँगा, एक एक चीज़ डिटेल में डील करूँगा भाई, है ना। तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि रियल फंक्शंस की थ्योरीज पढ़नी है और रियल फंक्शंस क्या होता है ये भी मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि कोई भी फंक्शन का जो रेंज आता है वो रेंज अगर डोमेन हो जाए रियल नंबर के सेट का तो फिर हम लोग रियल नंबर के सेट का सबसेट हो जाए, माफ़ कीजिएगा, जो फंक्शंस होती है उसकी जो रेंज होती है वो रेंज अगर सबसेट हो जाए रियल नंबर के सेट का तो हम लोग तब कहते हैं कि मेरा फंक्शन f जो है कि रियल फंक्शन है, है ना। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे बातों को बताया था और इसमें जो है कि हम लोग इसमें मैंने डील किया था कि रियल नंबर के सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में वगैरह वगैरह, बहुत टाइप के बारे में बातों के बारे में मैंने इसमें डील किया था। और चलिए यहाँ पर कुछ और है, इसके बाद मैं आपको याद होगा कि मैं ये जो पहला पेज है ये पूरा पहला पेज मैं कवर किया था, ठीक है ना, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो भी नीचे वाला पार्ट मैं पढ़ देता हूँ ताकि एक कड़ी से कड़ी जुड़ पाए, है ना। यहाँ पर देखिए, लेकिन चूंकि ये अवधारणाएँ, मतलब ये अवधारणाएँ कौन सी अवधारणाएँ, तो लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी की, है ना। तो लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी की जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट्स हैं, लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी की जो भी कॉन्सेप्ट्स होती है वो मैथमेटिकल, प्रत्येक मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जितना भी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ आप आगे पढ़ोगे या आप पढ़ चुके हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी का, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग को दोबारा से एक बार ज़रूर इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सेकेंड पार्ट में। ये देखिए, यहाँ से आपका लेक्चर 2 स्टार्ट होता है। लेक्चर 2, हेंस वी रिप्रोड्यूस सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी। इसलिए हम लिमिट और कॉन्टीन्यूटी पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को दोबारा पेश करते हैं। एट द आउटसेट देयर फोर वी शैल डिफाइन लिमिट एंड देन प्रोसीड टू डिफाइन कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एंड इस्टाब्लिश सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कंसर्निंग देम। क्या कहता है, इसीलिए शुरुआत में हम लिमिट को डिफाइन करेंगे एंड देन किसी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को डिफाइन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लिमिट को डिफाइन करेंगे एंड देन कॉन्टीन्यूटी को डिफाइन करेंगे और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को भी यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे कि लिमिट के मतलब सम ऑफ लिमिट्स का जो थ्योरम है ना, सम ऑफ लिमिट का जो थ्योरम है वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, द लिमिट ऑफ ए सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिट्स, ये एक थ्योरम है जो कि लिमिट के अंतर्गत हम देखेंगे, है ना, इसको मैं पढ़ाऊंगा। और कॉन्टीन्यूटी का भी थ्योरम है कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, है ना। तो ऐसा कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, ये सब भी हम लोग भी देखेंगे बढ़िया से। लेकिन इससे पहले हम लोग को लिमिट क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी क्या होता है, इसको इससे भी रूबरू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 11 12th में आपने पढ़ के ही आया है, लेकिन तो भी एक बार और जानना जरूरी है क्योंकि अब बीच में गैपिंग भी तो हो गया था, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 मतलब कि 6 महीना 12 एक साल का गैपिंग हो गया, इसके बाद सेमेस्टर 3 पढ़ रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो माइंड से आउट हो गया होगा, इसीलिए दोबारा से पढ़ाना जरूरी है। मैं समझता हूँ दोबारा से पढ़ाना जरूरी है। द इंस्टिट्यूटिव आइडिया ऑफ द फंक्शंस एफ हैविंग ए लिमिट एट द पॉइंट ए इज दैट द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर क्लोज टू एल व्हेन एक्स इज क्लोज टू बट डिफरेंट फ्रॉम ए। ये क्या कहता है, जरा समझिएगा बात को। फंक्शन एफ का एक पॉइंट ए पर एक लिमिट होने का सहज विचार यह है कि फंक्शन एफ एक्स के मान एल के करीब होते हैं जब एक्स करीब होता है, लेकिन इससे अलग ए है।
अब इसका मतलब क्या होता है बाबू? देखिए कोई भी फंक्शन f है, कोई भी फंक्शन अगर f जो है ठीक है ना, कोई एक विशेष पॉइंट a पर एक लिमिट होने का सहज विचार, मतलब f का जो है कि लिमिट, मतलब f जो एक फंक्शन है वो फंक्शन तो बाद में है लेकिन वो उसी फंक्शन के मदद से वो सीक्वेंस भी बनाता है, आपको मालूम होना चाहिए है ना, उसी फंक्शन के मदद से क्या बनता है, एक सीक्वेंस भी बनता है, मैपिंग के थ्रू जो रेंज बनता है उसी रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। हम लोग ये चीज़ बताए थे, मैं आपको बताया था, तो वो जो सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होता है, तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है उसको हम f का लिमिट पॉइंट कहते हैं या लिमिट कहते हैं, लिमिट कहते हैं, लिमिट लिमिट पॉइंट नहीं कहते, लिमिट पॉइंट एक से अधिक जब लिमिट होता है तब कहते हैं, लेकिन लिमिट क्या होता है, एक विशेष पॉइंट पर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो उस पॉइंट को हम लोग लिमिट कहते हैं। फंक्शन f का एक पॉइंट a पर एक लिमिट होने का सहज विचार यह है कि फंक्शन fx के मान l के करीब होते हैं जब x करीब होता है, यानी कि समझिए बात को, फंक्शन f का डोमेन कौन है तो x है, फंक्शन f का डोमेन कौन है तो x है, यानी कि x अगर पॉइंट a की ओर बढ़ता है, x पॉइंट अगर a की ओर बढ़ता है तो उस केस में फंक्शन f l की ओर बढ़ता है ना, मैं बोल रहा हूँ इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है एक मिनट। हाँ अगर इसको मैं ग्राफिकली भी मैं समझाऊँगा, ठीक है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ये इस लेक्चर के बाद मैं आपको समझाऊँगा बोर्ड में बड़ा बढ़िया से, ठीक है इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है इसीलिए थोड़ा सा प्लीज़ धैर्य रखिए है ना। एफ फंक्शन जो है अगर वो किसी डोमेन पर डिफाइंड है, मान लीजिए कोई भी डोमेन है ना, उसमें से कोई एक जैसे कि ए टू बी क्लोज इंटरवल एक डोमेन है, उसमें से कोई पॉइंट एक्स को लिए है ना, उस एक्स पॉइंट पर एफ डिफाइंड है, मान लीजिए एक्स दिए डोमेन के रूप में, तो मुझे एफ क्या देता है, एफ एक्स देता है, मुझे एफ क्या देता है, एफ एक्स देता है, तो एफ एक्स रेंज दे रहा है, कहने का मतलब तो जो भी पार्ट राइट हैंड साइड में आ रहा है सेट बी में है ना, तो वो रेंज मिल रहा है, तो वो रेंज क्या कर रहा है, वो एक प्रकार का सीक्वेंस बना रहा है, और वो रेंज जो है सीक्वेंस बना रहा है, और वो सीक्वेंस को कॉमा के रूप में हम लोग लिख रहे हैं, और वो सीक्वेंस अगर किसी विशेष पॉइंट पर टेंड्स करे मतलब कन्वर्ज करे तो उस पॉइंट को उस फंक्शन का लिमिट कहते हैं, समझे। अब आगे क्या कहता है, अब आगे ये कहता है कि फंक्शन एफ एक्स के मान एल के करीब होते हैं, यानी कि जब मेरा डोमेन में कोई एक पॉइंट एक्स है वो ए के पास भागता है, ए के करीब जाता है, लेकिन एक्स कभी भी ए नहीं ले सकते, कहने का मतलब मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए है ना, थोड़ा धैर्य रखिए। एक्स अगर ए की ओर बढ़ता है, सिर्फ अभी सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है तो आपको फिर ग्राफ से समझा दूंगा। x अगर नेक्स्ट लेक्चर में है ना, x अगर a के करीब बढ़ता है तो उस केस में मेरा फंक्शन f l के करीब भागता है, मतलब यहाँ पर करीब करीब का विचार आ रहा है, यानी कि x अगर a की ओर बढ़ रहा है, लिमिट में भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में है ना, ये सब चीज़ 11th 12th में, तो आपको शायद याद आ रहा होगा धुंधला, अगर याद आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको ग्राफ से समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए है ना। आप देखिए x एक्सिस में मेरा मान लीजिए कोई पॉइंट a है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से हम x को a की ओर टेंड्स कर रहे हैं, तो उस केस में मेरा बॉटम टू टॉप मेरा एफ एक्स एल की ओर भाग रहा है ना, समझ रहे हैं, ग्राफिकली समझाऊंगा मैं, चिंता मत की, तभी समझ में आएगा। अगर मेरा x a की ओर भाग रहा है तो उस केस में मेरा फंक्शन f किसकी ओर भागेगा, l की ओर भागेगा, ठीक है, तो इसको करीब का विचार कहते हैं, करीब का यहाँ पर विचार स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब ये है कि अगर x a के करीब भागेगा तो उस केस में फंक्शन f l के करीब भागेगा, यहाँ पर करीब का विचार प्रकट हो रहा है, यानी कि टेंड्स का मतलब करीब जा रहा है, तो यहाँ पर टेंड्स टू का विचार प्रकट हो रहा है, तो इस विचार को हम लोग एक मॉडर्न तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरीके को कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, यानी कि फंक्शन f का जो लिमिट आ रहा है वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पर डिपेंडेंट होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको मैं समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अगर कोई एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक डेल्टा मिलता है ग्रेटर देन जीरो, और सच डेट इस प्रकार से कि x माइनस a लेस देन डेल्टा हुआ तो उस केस में फंक्शन fx माइनस
एल लेस देन एप्सिलॉन होता है। क्या बोले सर? सर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बाबू, समझ में तो नहीं आया, हमको मालूम ही बात, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लैंग्वेज को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। फंक्शन एफ का एक पॉइंट कहने का मतलब फंक्शन एफ कोई पॉइंट ए पर, मतलब ए उसका डोमेन है, कोई पॉइंट ए पर एक लिमिट होने का सहज विचार, मतलब ए पॉइंट पर फंक्शन एफ का कुछ ना कुछ लिमिट आ रहा है, कहने का मतलब ये कि जब एक्स मेरा ए की ओर भाग रहा है तो उस केस में फंक्शन एफ मेरा एल की ओर भागेगा, है ना, समझ रहे ना कि नहीं समझ रहे? तो यही बात है। आइए आगे। बट इट इज नेसेसरी टू हैव ए टेक्निकल वे वर्किंग विद द आइडिया ऑफ क्लोज टू एंड दिस ए अकम्पलिस्ड इन द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ बिलो। तो यहाँ पर लेकिन करीब के विचार के साथ काम करने का एक तकनीकी तरीका होना आवश्यक है। बात तो सही है, जैसे कि x a की ओर भाग रहा है तो फंक्शन f मेरा l की ओर भाग रहा है, ये क्या हुआ, x a के करीब जा रहा है तो फंक्शन f l के करीब जा रहा है, तो ये थोड़ा सा बोलने में एक अटपटा टाइप से लग रहा है। तो इसी का हम लोग जो है कि टेक्निकल तरीका इस्तेमाल करेंगे इसको समझने के लिए। हाँ, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन हम इसी चीज़ को समझने के लिए टेक्निकल रास्ता को अपनाएंगे, है ना, टेक्निकल रास्ता को अख्तियार करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर x a की ओर भाग रहा है तो उस केस में f l की ओर भाग रहा है, लेकिन याद रखिएगा बाबू, a और l दोनों ही आपस में अलग चीज़ है, है ना, a मेरा डोमेन है और l मेरा रेंज है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर समझिएगा, x अगर a की ओर भाग रहा है तो उस केस में फंक्शन f l की ओर भाग रहा है ना। चलिए इसी चीज को आगे। नीचे दी गई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में पूरा किया गया है, मतलब इस ये जो चीज था ना, x a की ओर भाग रहा है तो फंक्शन f l की ओर भाग रहा है, तो इसी चीज को मैं नीचे बता रहा हूँ, है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के मदद से, जिसको मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको इस बातों को समझ में आएगा कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो इसे करने से पहले थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का मीनिंग को समझते हैं दोबारा, और साथ में ये भी कि इस चैप्टर को समझने के लिए और क्या क्या बेसिक कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम इसके बाद से, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स जो लिखा हुआ, इसके बाद से इस पार्ट से मैं लेक्चर 4 में डील करना स्टार्ट करूंगा, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ये क्या क्या पढ़ना है ये सब मैं जो है कि लेक्चर 4 में डील करूंगा। लेकिन इसके बीच में एक गैपिंग मैं दे रहा हूं लेक्चर 3 के लिए, क्यों, क्योंकि उसको भी समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप समझ पाइएगा कि x a की ओर भाग रहा है तो फंक्शन f l की ओर भाग रहा है, ये माजरा क्या है, है ना, मतलब x a की ओर टेंड्स कर रहा है तो उस केस में फंक्शन f l की ओर टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में। और लेक्चर नंबर 4 से मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली कि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस क्या होती है और इस सब में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि मैं इसको एक बार और बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में ही, लेकिन फिर से एक बार मैं इसको डील करूँगा लेक्चर नंबर 3 में, है ना, तो आपको और अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं फिर आगे भी बताया हूँ, है ना, तो इसको लेक्चर नंबर 4 में कवर करूँगा, ठीक है, बीच में मैं गैपिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, ये चैप्टर पेचीदा है, ये चैप्टर क्या है, पेचीदा है, है ना, लेकिन देखिए बहुत ही आसान है, ये शुरू के जो 2-4 पेजेस है ना वही आपको थोड़ा सा पेचीदा लगेंगे, थोड़ा सा अटपटा लगेंगे, लेकिन आगे का जो लेक्चर है ना इतना ईजी है, इतना ईजी है, आगे का जो थ्योरम है इतना ईजी है कि कहने का नहीं। और वो 8-8 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10-10 नंबर का आता है, तो किसी किसी में 16 नंबर का आता है, तो वो सब थ्योरम पढ़ेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा, जैसे रॉलीज हो गया, मैकलोरियंस हो गया, डारबक्स हो गया, एलएमबीटी लंग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हो गया,
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डारबक्स थ्योरम, इसके बाद बॉलजानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फिर इसका सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट, ठीक है, इसके बाद आपका जो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है ना, कॉचिज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये सब बड़ा आसान है, बहुत आसान है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट तो और भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब पढ़ेंगे, ये सब जो डेफिनेशन वगैरह है ना, ये सब को बहुत जने स्किप कर देते हैं, है ना। तो इसी डेफिनेशंस को मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं स्किप करूँ, मैं हर एक चीज़ को डील करूँ, मैं ये चाहता हूँ, है ना। थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा और हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे और इतना अच्छा हम लोग करेंगे कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी हम लोग जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि x a की ओर बढ़ रहा है, तो उस केस में फंक्शन f l की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। x a की ओर बढ़ रहा है तो उस केस में फंक्शन f l की ओर बढ़ रहा है, और ये सब केस में एक एप्सिलॉन मिल रहा है और एक डेल्टा मिल रहा है, इसी वजह से इस कंसेप्ट को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट कहते हैं। यानी कि लिमिट के लिए मैंने एक एप्सिलॉन चूज किया, एक डेल्टा चूज किया, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे एक एप्सिलॉन मिल गया, है ना, ऐसा बात है। हालांकि बहुत जन इसको ऐसा भी कहते हैं कि एप्सिलॉन के क्रॉसपॉन्डिंग डेल्टा मिलता है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि मेरा जो एप्सिलॉन है वो डेल्टा पर डिपेंड करता है। ये सब बातों को मैं बताऊँगा बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन डेल्टा पर डिपेंड करता है। अगर डेल्टा को छोटा कर दिया जाए तो मेरा जो एक्स का जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन के नेबरहुड में ही लाई कर जाएगा और फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं क्या बोला, आपको समझ में आया नहीं ना आया, तो इसीलिए बाबू बोलते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ मैं बताऊँगा धीरे धीरे, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, होले होले हर एक चीज़ खुलता है बाबू। अभी जितना आपको बताया बस उतना आपको समझना है कि अगर x a की ओर भाग रहा है तो उस केस में फंक्शन f l की ओर भाग रहा है। अब ये चीज़ नहीं समझ में आया, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा लेक्चर नंबर 3 में, पूरा ग्राफिकली मैं समझाऊंगा कि x a की ओर भाग रहा है मतलब x a के करीब जा रहा है तो कैसे मेरा f l की ओर जा रहा है, ये चीज़ को मैं समझाऊँगा ग्राफिकली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।